आप देख रहे हैं खबर बिहार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खगड़िया से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई। बता दें कि कुल अभी तक 7 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं जबकि 20 लोग अभी लापता हैं। मौके पर डीएम और एसपी पहुंच चुके हैं। यह हादसा मानसी थाना से 5 किलोमीटर पर हुई है। लगातार बारिश होने से सर्च करने में भी परेशानी आ रही है। यह हादसा तेज आंधी के कारण से हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंडक नदी में हादसा हुआ है। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इस पर पूरी निगाहें डीएम और एसपी की लगातार लगी हुई हैं और अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। यात्रियों से भरी हुई थी पूरी नाव और गंडक नदी में ये पूरा हादसा हुआ है। अब तक रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू करने में बेहद परेशानी आ रही है क्योंकि अंधेरा हो चुका है और ये जो पूरा हादसा हुआ है तेज आंधी के कारण से हुआ है। तो 20 लोग लापता हो चुके हैं, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और रेस्क्यू करने में बेहद ही परेशानी हो रही है। गंडक नदी में यात्रियों से ये पूरी की पूरी भरी हुई नाव डूब गई और कुल अभी तक 7 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है जबकि 20 लोग अब भी लापता है। मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच चुके हैं और यह हादसा मानसी थाना से बस 5 किलोमीटर पर हुई है। लगातार बारिश होने की वजह से सर्च करने में और भी ज्यादा परेशानी आ रही है। उसको बोला कि अभी आंधी तूफान आ रहा है, नहीं रोक, नाव को खोलना मत। लेकिन एनडीआरएफ की टीम सचेत देख उसको आगे बढ़ा और नाव खुल गया। जाते समय बीच अथी में जाके बीच नदी में, कितना लोग नाव पर होगा अंदाज? लगभग 30-40 के आंकड़ा। अच्छा, 35 बोल रहा है लेकिन उससे ज्यादा है। सब लोग कहाँ जा रहे थे ये लोग? सब लोग ही बगल से बगल जा रहे थे, मुंगेर उस पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये अपने टेलीविजन स्क्रीन पर स्थिति समझी जा सकती है। बारिश भी हो रहा है, अंधेरा हो चुका है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है रेस्क्यू करने में। अब तक 7 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया है लेकिन 20 लोग अब भी लापता हैं। मौके पर डीएम भी पहुंचे हुए हैं, लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द और भी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। हमारे संवाददाता हितेश ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं। हितेश, समझा जा सकता है, अंधेरा भी हो चुका है, बारिश भी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अभी तक 7 लोगों को तो निकाल लिया गया, जानना चाहेंगे अब रेस्क्यू का जो काम चल रहा है कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी अंजलि, बताएं कि जिस तरह से ये पूरा दियारा इलाका है और गंडक और गंगा नदी के बीच का इलाका है तो वहाँ पे रेस्क्यू चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। जो एसटीआरएफ की जो 4 बोट गई हुई थी वो अभी लौट के आई है और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है कि किस जगह ये हादसा हुआ है। अंधेरा होने के कारण तो जो स्थानीय लोग हैं उसकी भी मदद लिए इन लोगों ने और कोशिश किया कि किसी तरह से जो है वो स्थान खोज पाए लेकिन उस तरह वहां पे नहीं मिल पाया है, जिसके स्थान जो चिन्हित नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है एसटीआरएफ की टीम लौट के आ गई है। और जो जो जिले के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो अब जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रात अंधेरा होने के कारण और बारिश भी जो रुक रुक के हो रही है तो जिसके वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जो है रोक दिया जाता है। अगले सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। आपको बताया कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है स्थानीय लोगों के द्वारा या जो प्रत्यक्षदर्शी है उसके द्वारा तो जो बात आ रही है कि जो 20-30 से के आसपास लोग थे या उससे भी ज्यादा लोग सवार थे, ये जनरेटर वाली जो है छोटी मझोले आकार का जो मोटर बोट था वो बोट था और जनरेटर लगा हुआ था तो 30 से ज्यादा लोग सवार थे और केवल 5 से 7 लोग के जो है निकलने की सूचना मिल रही है। केवल हितेश जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो 30 लोग लगभग सवार थे, आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या कुछ बताया जा रहा है, कोई जानकारी आपके पास की? ये तो है कि बहुत आंधी भी आ गई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कुछ अचानक से स्थिति हो गई थी वहां पर? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसके बाद एक जो बात हुई तो उसके जो जानकारी मिली उस बोट पे जो है एक मोटरसाइकिल भी चढ़ाया गया था। जी जी, तो कह सकते हैं कि जो महिला बच्चे और जो है जो लोग थे वो 30 के आसपास थे, केवल 7 लोग जो है निकल के जो है किसी तरह से अपने तैर करके जान बचा पाया है, बाकी लोग जो है अभी तक मिसिंग है। बिल्कुल, और जो बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा जो स्थिति है वहां पर। हालांकि स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।
तो वही बिहार के 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है। सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा बाढ़ की चपेट में है। 16 जिलों के 120 ब्लॉक के 1152 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जिससे 63,60,424 लोग प्रभावित है। 16 जिले में कुल 19 राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं, जबकि 1,365 सामुदायिक किचन चल रहे हैं। अब तक बाढ़ से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। दरभंगा में 7, मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिम चंपारण में 4, सिवान में 2 लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनी राहत कार्य में लगी हुई है। बाढ़ से बर्बादी की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आ रही है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए तो कई गांवों पर कटाव का खतरा बना हुआ है। पानी की परेशानी के बीच लोग दहशत में हैं। उफान पर नदियां, टूट रहे तटबंध, गांव के गांव बने टापू। बाढ़ से बेहाल दरभंगा जिले के सिरिनिया गांव की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि हालात कितने बुरे हैं। पूरा का पूरा गांव टापू बन गया है, ज्यादातर घर डूब गए हैं। दरभंगा जिले में जहां लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये आमदनी का जरिया बन गई है। ठेकेदार आपदा को अवसर में बदलने पर तुले हुए हैं। आरोप है कि कर्जापट्टी पंचायत में पिछले कुछ दिनों में बागमती नदी का बांध कई बार टूट चुका है और ठेकेदार टूटे हुए बांध की मरम्मत बांध की मिट्टी काटकर ही करवा रहे हैं, जिससे कई जगह बांध कमजोर पड़ गए हैं। बिरने गांव के पास बागमती नदी का बांध मंगलवार को चौथी बार टूट गया। 15 दिनों से यहां पे बाढ़ का कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन के द्वारा और यहां के जो ठेकेदार जिनको काम करने के लिए मिला है उनके द्वारा सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। इससे पहले कर्जा पट्टी टूटा, लाधा टूटा, किरने गांव में बांध टूट गया हुआ है। सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण बार बार ये बांध टूट रहा है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोसी नदी खतरे के निशान से 2.04 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि बागमती नदी 2.70 मीटर और गंडक नदी 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले की 96,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में रेतुआ नदी के कटाव से लोग दहशत में। यहां 2 गांवों की जमीन नदी में विलीन होती जा रही है। मोतिहारी जिले के 15 प्रखंड की 8 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिले में 113 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। रेड क्रॉस जैसी मददगार संस्था भी मोतिहारी में सामुदायिक किचन चला रही है। गंडक नदी का बांध टूटने से सारण जिले के पानापुर तरैया प्रखंड में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच मढ़ौरा प्रखंड की 2 पंचायत के करीब 8 गांवों में बाढ़ के फैलाव ने स्थिति को विकट बना दिया है। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक जहां आज से शांत है, वहीं बलान नदी में लगातार जल स्तर बढ़ने से भगवानपुर प्रखंड के कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ के खतरे के बीच फारबिसगंज के आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने के साथ तबाही की तस्वीर भी सामने आने लगी है। बाढ़ के पानी से दर्जनों सड़कें टूट गई और लोगों का आवागमन बाधित हो गया था। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर इन सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखीसराय में नक्सलियों ने मुखिया समेत 3 लोगों को अगवा कर लिया है। नक्सलियों ने चानंद थाना क्षेत्र के भुलई पंचायत के मुखिया गणेश रजक और उसके भांजे रविंद्र रजक और राजेंद्र यादव का अपहरण किया। हालांकि कुछ घंटे बाद नक्सलियों ने मुखिया के भांजे को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि काफी समय पहले नक्सलियों ने लेवी की मांग की थी, जिसे तय समय पर नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से एसीपी अमृतेश कुमार दलबल के साथ इलाके में कैंप कर रहे हैं और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग मुंगेर डीआईजी मनु महाराज कर रहे हैं। इस मामले को संवेदनशील बताकर पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। पार्षदों के द्वारा भी यह मुझे जानकारी दी गई है और सशक्त स्थायी समिति के द्वारा भी 4% कमीशन के दर कर संग्रहों को बहाल करना था।
परंतु यहाँ 4% कमीशन पर नहीं करके नियम को ताक पर रख कर किया गया। दो राज्यों के बीच फंसे सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जांच के लिए केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से बात करके सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए केंद्र को सिफारिश भेज दी है। सुशांत को अब मिलेगा इंसाफ, सामने आएगा सुसाइड का सच। सरकार ने सीबीआई को सौंपी जांच। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच अब सीबीआई सामने लाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह के पिता केके सिंह की मांग को मानते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस मामले में पटना में केस दर्ज होने के बाद से चारों तरफ से सीबीआई जांच का प्रस्ताव आ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके थे कि सुशांत के पिता की मांग पर ही ऐसा किया जाएगा। और जब सुशांत के पिता ने इसका अनुरोध किया तो बिहार सरकार ने इसे मानने में जरा भी देर नहीं लगाई और सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसकी सिफारिश हम लोग कर दिए, बिहार से होने जा रहा है, आज ही हो जाएगा। अब जो कुछ भी हुआ सबको मालूम है, यहाँ के आईपीएस ऑफिसर को किस तरह से बंद कर दिया, अब क्वारंटाइन का क्या मतलब है उसका। और कल तो सुप्रीम कोर्ट में भी है ना, इसने जो दायर किया तो बिहार की तरफ से भी तो कह दिया गया कि हम लोगों की बात भी सुनी जाए, तो कल सारी बात वहाँ भी कहा जाएगा। सुशांत सिंह के पिता के पटना में एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ये मामला महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच फंस गया था। बिहार पुलिस लगातार ये कहती रही कि उन्हें महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, और अब जब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीबीआई को सहयोग देने का दावा किया। लेकिन सीबीआई प्रोफेशनल एजेंसी है, गहराई में जाती है, तह से जाती है, सिस्टमेटिक ढंग से अनुसंधान करती है, लेकिन अंतिम कंक्लूजन में अधिकांश केसों में वो रहस्य पर से पर्दा उठा ही देती है। वहीं सीबीआई जांच की मांग स्वीकार होने पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी खुशी जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण जांच ठीक से नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसे सीबीआई को सारे कागजात देने ही पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सिफारिश किया है सीबीआई जांच के लिए, देश के करोड़ों लोग जो न्याय की अपेक्षा कर रहे थे सुशांत सिंह के मामले में, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। वहीं बिहार पुलिस की ओर से इस मामले की जांच करने मुंबई गए आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करने के मामले को लेकर भी बिहार सरकार ने गंभीर रुख दिखाया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर नाराजगी जताई, और अब इसे लेकर डीजीपी के निर्देश पर आईजी संजय कुमार ने पीएमसी को प्रोटेस्ट पत्र भेजा है। इस सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सुशांत सिंह की मौत के मामले में लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आम लोगों से लेकर सियासतदान तक मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई को केस सौंपने की मांग करते रहे हैं। और अब जब केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है तो सभी ने एक सुर में इसका स्वागत किया है। बिहार सरकार ने सुनी पुकार, सुशांत को न्याय का अधिकार, सीबीआई जांच से झूठ का पर्दाफाश। दो राज्यों के झगड़े में उलझे सुशांत का परिवार अब न्याय के लिए नहीं तरसेगा। बिहार सरकार ने सुशांत के परिवार और लोगों की संवेदना को मान देते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया है, जिसका चहुओर स्वागत किया जा रहा है। खासकर सुशांत के परिजन इसे न्याय की उम्मीद की तरह देख रहे हैं।
हम लोग शुरू से सीबीआई की मांग कर रहे थे, तो सभी दल के लोगों ने उसमें सपोर्ट करने का काम किया। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। सुशांत के जितने फैंस हैं बल्कि देश आज बहुत खुश होगा, क्योंकि सबका ये मांग था कि सीबीआई जांच हो। वहीं विपक्ष भी इस फैसले से काफी खुश है, लेकिन साथ ही इस फैसले को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, अभी तो सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया, अनुशंसा करना नहीं करना, लेकिन इसमें बड़ा देर हो गया नीतीश कुमार जी, ये काम तो पहले ही कर देना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी बिहार आरंभ से ये कहती रही है कि सुशांत मामले में जिस तरह से परत दर परत रोज नई बातें आ रही है, सीबीआई जांच से ही सच्चाई का पता चलेगा। अब रिया चक्रवर्ती के बारे में मालूम हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ और जो डॉन जगत के लोग होते हैं उनसे वहाँ लगाव है। कि सीबीआई इंक्वायरी हो, जितने भी अनसुलझे कहानियां जो चल रही है सुशांत सिंह जी के मामले में, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिहार सरकार के फैसले का अन्य राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया है और सभी ने उम्मीद जताई है कि अब सच को सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज जब माननीय मुख्यमंत्री ने की, तो अब उम्मीद है कि सीबीआई की जांच के बाद सच सामने आएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया था, 48-50 दिनों का वक्त जाया किया, और साथ ही इस बात के संदेह होने लगे थे कि तथ्यों से छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाया जा रहा है। बिहार पुलिस सीबीआई को कोऑपरेट करेगी और उन अभियुक्तों को सजा दिलाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह 14 जून को अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत मिले थे। इस मामले में सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी सुशांत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश का स्वागत किया। रामकृपाल यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। रामकृपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से भी जल्द से जल्द सीबीआई जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया है, ताकि सुशांत सिंह मामले की निष्पक्ष जांच हो पाए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार सरकार के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए उसके लिए सीबीआई की जांच के लिए रेफर किया है। वहीं सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश पर शिवसेना नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करके बिहार चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार संवेदनहीन हो गए हैं और उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव की वजह से सुशांत पर राजनीति हो रही है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने पलटवार किया और कहा कि राउत गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता और सुशांत सिंह के प्रशंसकों का अपमान किया। नीतीश कुमार जी एक वरिष्ठ नेता है, सीजन पॉलिटिशियन है, समझना चाहिए क्या चाहते हैं, रहस्य क्या है कि बार बार सीबीआई को दीजिए सीबीआई को दीजिए। अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति से ये मुद्दा जुड़ जाए, तो मुझे लगता है कि आप संवेदनाहीन हो गए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का रिएक्शन आप देख सकते हैं। अब जब सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया है बिहार सरकार ने, तो शिवसेना नेता संजय राउत जिस तरीके की भाषा का प्रयोग बिहार की जनता और सुशांत सिंह राजपूत के तमाम देश भर में समर्थकों के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ गुंडागर्दी की भाषा है। और ऐसा कई बार प्रतीत होता है इनकी बहदवासी से कि जैसे वे खुद आरोपी हों या फिर शिवसेना के लोग ही इसमें आरोपी हैं। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश कर दी गई, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। याचिका आरोपी रिया चक्रवर्ती ने दायर की है, जिसमें उसने पटना में दर्ज केस को मुंबई स्थानांतरित करने की भी मांग की। इस मामले में रिया की याचिका दायर करने के बाद सुशांत सिंह के पिता और बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की गई है, जिस पर भी
कोर्ट कल सुनवाई करेगा। बांका का लाइफलाइन कहा जाने वाला चांदन पुल बेजान हो गया, जिसके चलते बांका का संपर्क सूबे के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से खत्म हो गया है। कांधे पर साइकिल लादे उफंती नदी को पार करते ये लोग जिस पुल के धराशायी होने से परेशान हैं, वो पुल बांका का लाइफलाइन कहा जाता है। और चांदन नदी पर बना ये पुल बांका को न सिर्फ बिहार के बाकी जिलों से बल्कि झारखंड से भी जोड़ता था, लेकिन पिछले एक दशक तक बालू के अवैध खनन ने इसके पिलर को इस कदर कमजोर कर दिया कि बांका का लाइफलाइन खुद बेजान हो गया। दिसंबर महीने में यह पुल धस गया, आवाजाही बांका और से सारे पूरे झारखंड और पूरे बिहार की भागलपुर जाने की यह आवाजाही का रास्ता खत्म हो चुका था। साल 1997 में बने इस पुल के गिर जाने से इलाके के लोगों को बांका शहर जाने के लिए करीब 60 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना पड़ता है। छोटी गाड़ियों, चार पहिया वाहन और यहां तक कि दो पहिया वाहनों का भी परिचालन पुल से कई महीनों से रोक दिया गया है। पुल के ऊपर से पैदल चलने की भी मनाही है। मजबूरी में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं। पुल टूट जाने के कारण से काफी परेशानी पब्लिकों के बीच में हो गई है। आज से एक साल वर्ष पहले ही पुल टूट चुका है, जिस पर सरकार की कोई ध्यान आकृष्ट नहीं है। भारी परेशानी के साथ नदी पार करके ड्यूटी पर तैनात जाना पड़ रहा है। पुल के निर्माण की दिशा में अब तक कोई काम नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। हालांकि स्थानीय विधायक और राज्य सरकार में मंत्री राम नारायण मंडल ने जल्द ही पुल का निर्माण किए जाने का भरोसा दिया है। लेकिन बीच में ये कोरोना वायरस वाले मामला आ गया, थोड़ा इस काम में सुस्ती आई। लेकिन अभी ये का काम, अब जब पुल ध्वस्त हो गया तो फिर पुल के प्राकरण का कार्य पूरा हुआ है और हमने उच्चस्थ पदाधिकारी से लेकर सारे अधिकारियों से बातचीत की है। स्थानीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री के आश्वासन के बाद इलाके के लोगों को भरोसा तो है, लेकिन देखना होगा कि कब तक ये पुल बनकर तैयार हो पाता है और इलाके के लोगों की मुश्किलें कम होती हैं। वीरेंद्र, जी मीडिया, बांका। इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे जी बिहार झारखंड।